नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। चार दिन के बाद तुम लोग जो ये काम किया बहुत अच्छा हुआ है, सब ठीक ठाक है। सरस्वती देखो, तुम ये बहुत अच्छा किया है, ये सरस्वती किया, इसलिए इधर देखो, तुम लोग देख रहे हो ना, तुम थोड़ा आंख प्रदान करो। और इधर किया है चंदा ने, दोनों ने बहुत सुंदर किया है। चंदा ने जैसे यहाँ पे कल का किया है, चार दिनों के बाद वो ये काम किया, तो जब प्रैक्टिस करेगा तो कितना अच्छा होगा। और मेकअप स्टूडियो में हम लोग पूरा मेकअप आज कम्प्लीट किया है, मेकअप स्टूडियो बहुत अच्छा ब्रांड है, मेकअप स्टूडियो में हम लोग आज इसका मेकअप किया है। ये भी मेरा स्टूडेंट है, लेकिन आज इन लोगों ने इनके ऊपर प्रैक्टिस किया है, तो बहुत अच्छा मेकअप किया है। तुम लोग कैसे खुश हो ना, सब सीख गए, ठीक है। कोई भी टिप्स चाहिए तो मुझे पूछो, तुम लोग कोई क्वेश्चन होना है तुमको, तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। समझ में आ रहा है सब तुम लोगों को? हाँ, तो बड़ा अगर शायद बड़ा होता तो क्या करता इसको? थोड़ा काटना पड़ता है तुमको, ब्लास देके और फाउंडेशन देके छोट को काट के तुमको उस साइज में आना, लेके आना होगा, ठीक है। आई मेकअप लेकिन तुम लोग बहुत सुंदर किया है, मुझे बहुत पसंद आया है। दो मेन एक्चुअल में मेकअप कैसा होना चाहिए जो लुक बहुत ज्यादा हैवी ना लगे? नेचुरल लुक चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए, हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो सब लोग क्या चाह रहे हैं, नेचुरल लुक, तो ठीक है, नेचुरल लुक चाहिए सबको। हैवी मेकअप किसी को पसंद नहीं। जैसे तुम लोगों को मैंने क्या बोला, आईब्रो नेचुरल बनाओ, ऐसे मैंने ब्लैक देके पूरा धब्बा देके मत बनाओ, एकदम नेचुरल फिनिशिंग, जैसे लगेगा मेरा ओरिजिनल आईब्रो होगा, ऐसे लगना चाहिए, ऐसा आईब्रो कराना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोग। आपका नाम क्या हुआ? सुनीता भट्टाचार्य। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं दमदम में रहती हूँ, दमदम में मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे मेरा स्टूडियो भी है। आप माने मेकअप को जो बच्चे हम सबको मेकअप सिखाते हैं, वहाँ पे भी मेरा स्टूडियो में भी क्लास चलता है, और इधर आसनसोल में भी क्लास चल रहा है। जो लड़के ट्रेनिंग ले रही है वो अगर मेकअप करे तो क्या क्या बात पर फोकस करे? देखिए, सबसे ज्यादा मैं इन लोगों को जो सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ, ऐसे भूत मत बनाओ, मेकअप नेचुरल मेकअप चाहिए सबको, नेचुरल मेकअप चाहिए एकदम। मेकअप में तो चेंज तो आएगा ही, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। ऐसे भूत मत बनाओ, ऐसे थब्बा धब्बा देके भूत मत बनाओ, एकदम नेचुरल फिनिशिंग लेके आओ। यही बात इन लोगों को मैं सिखा रही हूँ, नेचुरल लुकिंग चाहिए, ठीक है, वही अच्छा लगता है। हेयर स्टाइल बहुत सुंदर करने से पूरा लुक एकदम चेंज हो जाता है। अच्छा, ये जो कोर्स होता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों कोर्स होता है मेकअप का? 12 डेज, यहाँ पे 12 डेज। अच्छा, इसमें क्या क्या सिखाते हो 12 डेज में? यहाँ पे हेयर स्टाइल सिखाऊंगी मैं, और मेकअप, हेयर स्टाइल, मेकअप, ये दोनों, और साड़ी ड्रेपिंग, कैसे साड़ी पहनाना होता है ये भी मैं सिखाती हूँ। क्या इसमें बच्चे सीख करके कुछ एम्प्लॉयमेंट अर्निंग कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। कौन सा फील्ड उनका अर्निंग करने का? हाँ, बहुत अर्निंग कर सकता है ये, अगर ये लोग ठीक से सीख जाएगा ना। तो अभी तो इसका हर, देखिए, हर महीना कुछ ना कुछ हम लोगों को फंक्शन लगे ही रहता है, तो पार्टी मेकअप, ब्राइडल, ये सब तो चलता ही है ना, ये तो कभी बंद नहीं होगा। कहीं पे ब्राइडल में जाएंगे तो वहाँ पे भी 200 पार्टी मेकअप रहेगा, तो वहाँ पे भी अर्न होगा, तो ये तो बहुत ही फायदा है सबको। अभी तो कुछ ना कुछ सबको सीखना ही चाहिए। यहाँ पे मैं नेल आर्ट भी सिखाती हूँ। स्किन के अनुसार कुछ मेकअप भी चेंज होता है क्या? जरूर होता है, किसी का डार्क स्किन होता है तो उसके ऊपर एक मेकअप चलता है, किसी का फेयर स्किन होता है तो उसके ऊपर एक मेकअप चलता है, तो उनको दिखाना पड़ता है लोगों को, स्टूडेंट लोगों को, जो कैसे मिक्स एंड मैच करके मेकअप करना होता है। मेकअप के लिए कुछ कंसेप्ट आप लोग अलग से लाते हो क्या? सोचते हो कि आज ऐसे सजाना या वैसा सजाना, या जरूर सोचता है। अच्छा, वो कंसेप्ट कहाँ से लाते हो? हम लोग माने बोले को फॉलो करते हैं, माइंड से लाते हैं कैसे करना होता है, किसी को फॉलो करते हैं।
फॉलो करती हूँ मैं कलकत्ता का कोई कुछ कुछ मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो, जो मुझे अच्छा लगता है वहाँ उन लोगों को फॉलो करती हूँ। जैसे अनुराग सर को मेकअप बहुत अच्छा लगता है तो उनको मैं फॉलो, खास करके उनका हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है तो उसका हेयर स्टाइल मैं बहुत फॉलो करती हूँ। चंदा कुमारी है, मैं फिलहाल आसनसोल आई हूँ। शुभ भट्टाचार्य जी जो हमारी मेकअप टीचर है, मुझे उनका मेकअप बहुत पसंद आया क्योंकि अभी के मेकअप में सबसे मेन होता है नेचुरल लुकिंग, जो कि मैम के मेकअप में हूबहु झलकता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत ही हैवी मेकअप होता है, चूंकि अभी के हिसाब से इतना हैवी मेकअप कोई जरूरत नहीं है। मेकअप मतलब ब्यूटी, ब्यूटी जो खुद से दिखे अंदर से झलके, ना कि वो बनावटी शो अप होना चाहिए। इसीलिए हम लोग मैम का क्लास कर रहे हैं, मैम ने 2 दिन में इतना अच्छा क्लास करवाया, मैंने भी बहुत जगह और क्लासेस किए हैं, वर्कशॉप अटेंड किए हूँ, लेकिन मुझे मैम का काम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इनफैक्ट ये मैम का जो काम है ये हमारे स्टूडेंट से लेवल से बहुत ऊपर है। ये जो हम लोग खुद ब्यूटिशियन हो चुके हैं, जो हम लोग इतना दिन से काम करते हैं, हम लोग के लिए बहुत बेटर है ये। मैम का इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला? मैम का इन्फॉर्मेशन हमें फेसबुक से मिला, इंस्टाग्राम से मिला, व्हाट्सएप के दौरान हम लोग मैम से कांटेक्ट किए। बाकी मैम का कंसल्टेशन ये था कि मैम ने जिनको भी क्लास कराया था यहाँ पे उनका काम मुझे बेहद अच्छा लगा, उनके थ्रू हम लोग का मैम से कांटेक्ट हुआ, जैसे कि पॉली दी, मिठू दी, ये लोग वहां से सीखी है और बहुत बेटर काम कर रही है, प्लस अर्निंग भी कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली चूंकि अनुराग सर तो यहाँ अवेलेबल है नहीं, जो कि एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर ड्रेसर है, तो हमारे लिए अगर कोलकाता से मैम आई है तो वो अनुराग सर से कम नहीं है हमारे लिए फिलहाल। थैंक यू।